Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Sanam Hirotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. Guys, आप लोगों को पता ही है कि winters आ गए हैं, almost आ ही गए हैं. तो हाँ, हमारी स्किन केयर भी इस समय पे चेंज हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना, वेदर के अकॉर्डिंग जो है ना चेंज हो जाती है. मेरी तो हो जाती है, आप लोगों की होती है कि नहीं होती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मेरी जो स्किन टाइप है वो है ऑयली, और विंटर्स आते आते ना बहुत ड्राई होने लग जाती है मेरी स्किन. तो मैंने तो अपना स्किन केयर चेंज कर लिया है, और मैं आज के वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ कि मैं क्या आजकल स्किन केयर अप्लाई कर रही हूँ. सो आई विल बी रिव्यूइंग गुड वाइब्स रोज हिप रेंज. सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स. यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएंगे, फ्रॉम फेस वॉश टू फेस स्क्रब टू मॉइस्चराइजर, टोनर, सीरम, सब कुछ है यहाँ पे, और मैं आजकल यही अप्लाई कर रही हूँ. अगर आप लोगों को ये वाली रेंज लेनी थी ना, तो इस वीडियो को पूरा देखना गाइज. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, देन लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो. Okay guys, so I am in the mood of doing good skincare today. अभी रात हो रही है guys, तो मुझे skincare करनी ही थी, तो मैंने सोचा कि इसको film कर लेती हूँ. मैं, आप देखोगे already, घर के कपड़ों में ही हूँ. I have done nothing, bare face है एकदम. मैंने diffuser भी light किया हुआ है with lavender oil on it, so that एक अच्छी सी calm सी soothing सी फ्रेग्रेंस आती रहे इस रूम में, और मैं अच्छे से अपना स्किन केयर करूँ. सो बूजी स्किन केयर. तो चलो फटाफट से देखते हैं. ये बहुत ही अफोर्डेबल है गाइस. इन सारे के जो भी लिंक्स वगैरह होंगे ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना, वो मैं काफी टाइम से यूज करती आ रही हूँ. कोई कोई तो मैंने दो बारी परचेज किया हुआ है, और कुछ जो है वो मेरी रीसेंट परचेज है. रीसेंट इन द सेंस मैं कुछ टाइम से, दो तीन हफ्ते से इसको यूज तो कर रही हूँ, तो मैं एक अच्छे से डिटेल्ड वे में इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता सकती हूँ. तो गाइस फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं स्किन केयर करने के लिए. फटाफट से मैं अपने बालों को क्लच कर लेती हूँ, सो दैट कि हमारा इन बिटवीन कोई भी हमें प्रॉब्लम ना आए स्किन केयर में. वेयर इज माय क्लच. ओके, आज की स्किन केयर में गाइस आपको मिल जाएगा गुड वाइब्स का रोज हिप डीप क्लींजिंग फेस वॉश. और ये गाइस मैं एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाती हूँ. सो पहला जो स्टेप होता है, आपको पता ही है कि फेस वॉश करना होता है, तो मैं अभी करूंगी इसी से फेस वॉश. मैंने मॉर्निंग में फेस वॉश किया था, उसके बाद मैं अब कर रही हूँ इससे फेस वॉश. गाइस जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें कोई भी पैराबेंस नहीं होते हैं, मिनरल ऑयल्स नहीं होते हैं, और क्रुएल्टी फ्री होते हैं. तो ये काफी अच्छा स्किन केयर है, और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है. इसमें जनरली सेल चलती रहती, तो मैंने ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो है वो एक बारी में नहीं परचेज किया हुआ है. मैंने एक दो करके हर परचेज में मैंने कलेक्ट की है ये रेंज. तो यहाँ पे मैं पहले यूज करूंगी गुड वाइब्स का रोज हिप फेस वॉश. तो ये फेस वॉश आप देखोगे तो गाइज यहाँ तक फिनिश हो गया है, और ये काफी अच्छा फेस वॉश है, बहुत ही माइल्ड सा है. मैं इसको मैं पंप करके दिखाऊं तो आप देखो गाइज इस तरीके से ये फेस वॉश दिखेगा. मैंने ये काफी ज्यादा प्रोडक्ट ले लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए, बट आप इसको बहुत थोड़ा सा ही लेना, क्योंकि थोड़ा भी इसमें सफिशियंट है. तो गाइज ये बहुत ही माइल्ड और जेंटल फेस वॉश है, बहुत ज्यादा लेदर फॉर्म नहीं करता. आज मैंने काफी ज्यादा प्रोडक्ट ले लिया है, तो थोड़ा लेदर आपको दिख रहा है, बट अगर आप थोड़ा सा एक पंप लोगे ना, तो बहुत ज्यादा ये लेदर नहीं होता है. ओके गाइज, सो फेस वॉश इज डन. काफी अच्छे से फेस वॉश हो गया है मेरा, बहुत ही जेंटल फेस वॉश है गाइस. एज यू कैन सी अच्छे से क्लीन हो गया है, कोई भी डर्ट डस्ट गंक नहीं है, बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है आपके फेस को. तो जैसा कि मैंने बताया कि स्किन जो है ड्राई हो गई है, इसको अप्लाई करने के बाद, इसे फेस वॉश करने के बाद थोड़ी देर तक स्किन ऐसे लगती है ना, फील कि पूरा हाइड्रेशन फेस से चला गया है. बट हाँ, अगर मैं इसको छोड़ दूंगी, अगर कुछ भी नहीं अप्लाई करती हूँ मैं विद इन 10 to 15 minutes अगर, तो फिर नॉर्मल लगने लग जाती है स्किन. ऐसा नहीं है कि एकदम मॉइस्चर इसका फेस से इसने क्लीन खींच लिया है, बट हाँ अभी फिलहाल मेरे को ऐसा थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा फील हो रहा है. तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज स्क्रबिंग. सो हेयर आई हैव रोज हिप फेस स्क्रब, दिस इज फॉर ग्लोइंग स्किन. सो गाइज ये जो रेंज है ना, ये काफी अच्छी है. बस इसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ना, जो मुझे लगते हैं कि कुछ जो है
हर एक सीजन में आप इसको नहीं यूज कर सकते हो. जैसे दिस इज द फेस वॉश, आई कैन यूज दिस इन बोथ समर और विंटर सीजन, दोनों में ही हम इसे यूज कर सकते हैं. ये जो स्क्रब है इसको भी मैं समर और विंटर दोनों सीजन में ही यूज कर सकती हूँ. सो दिस इज हाउ द टब लुक्स. एक टब में आता है ये और इसमें एक लिड लगी हुई है. लिड ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है प्रोडक्ट, और ये पिंक कलर का प्रोडक्ट है गाइज. एज यू कैन सी इसके ग्रैन्यूल्स जो है ना गाइज स्क्रब के लिए वो बहुत ही माइन्यूट से एकदम ग्रैन्यूल्स है. बहुत हार्श नहीं फील होंगे आपको आपके स्किन पे, बहुत माइल्डली आपके फेस को ये स्क्रबिंग कर देंगे. ओके, स्क्रबिंग इज डन, स्टेप टू इज डन. सो गाइज ये जो स्टेप है ये मैं डेली नहीं करती हूँ, आई डू इट वंस अ वीक, और बहुत ज्यादा नीड फील होती है तो ट्वाइस अ वीक. इससे ज्यादा मैं स्क्रबिंग नहीं करती हूँ अपने फेस पे. सो दिस इज अ वेरी गुड स्क्रब और काफी अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है. ये 195 का टब है तो आप जान ही रहे हो बाय वन गेट वन में आपको ये 100 रुपीज के अंदर मिल जाएगा. काफी सफिशियंट क्वांटिटी है इसमें और मुझे नहीं लगता है कि किसके साइड इफेक्ट्स वगैरह किसी के भी ऊपर होते होंगे, क्योंकि मेरी स्किन टाइप जो है ऑयली के साथ साथ सेंसिटिव भी है, तो मुझे ये काफी अच्छे से सूट कर रहा है. सो होपफुली आपको भी ये सूट करेगा ही करेगा. ठीक है गाइस, तो अब हमने कर लिया है अपने फेस को स्क्रब. स्क्रब करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पे, विच इज मास्किंग. तो मास्क हम अप्लाई करते हैं. ये भी इस तरीके की बॉटल में आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग्जीरियस सी बॉटल दिखने में लगती है ये. इसमें गोल्डन कलर की कैप दी हुई है और एक थोड़ा सा डार्क टोन में इसकी टब है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. सो मैं इसको ओपन करती हूँ. सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने आपको बताया था कि पैराबेंस नहीं है, मिनरल्स नहीं है. सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट्स लुक. आप देख सकते हो मैंने काफी यूज भी किया हुआ है. सो इसको हम फटाफट से अप्लाई करेंगे. मास्किंग इज डन. अब हम इसे छोड़ देंगे 10 मिनट्स के लिए, अच्छे से कि सिंक हो जाए मेरे स्किन में, अच्छे से ड्राई हो जाए मेरे फेस पे. उसके बाद मैं करती हूँ फेस वॉश एंड देन आई विल कैच यू गाइस अप. आई वॉश माय फेस, पैक जो है अच्छे से ड्राई हो गया था, देन फेस वॉश कर लिया है मैंने. मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि फेस मास्क जो है मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं अप्लाई करती हूँ. जब जब मैं स्क्रबिंग करती हूँ तभी तब मैं फेस मास्क अप्लाई करती हूँ, दैट इज वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक. सो या नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप, वो है टोनिंग. तो गाइज यहाँ पे मैंने अगेन एज आई हैव मेंशनड अर्लियर गुड वाइब्स का रोजहिप टोनर लिया है एंड दिस इज माई सेकेंड बॉटल, और ये भी बहुत थोड़ी सी ही बची हुई है. इसको मैं रेगुलर बेसिस पे ही यूज कर रही हूँ एंड सो फटाफट से इसको स्प्रिट्स कर लेते हैं. टोनर बहुत से लोगों को फील होता है कि मैंडेटरी या फिर एसेंशियल स्टेप नहीं है, तो मैं आपको बता दूं अगर आपके ओपन पोर्स है ना तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, या फिर आपको इंस्टेंट फ्रेशनेस चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो. ये आपके स्किन के पीएच बैलेंस को जो है मेंटेन करके रखता है. सो मैं इसको समर और विंटर्स दोनों में ही यूज कर लेती हूँ. सो ओके, सो आई गिव 1 मिनट एंड आई विल जस्ट लेट दिस टोनर गेट एब्जॉर्ब इन टू माई स्किन, अच्छे से सिंक हो जाए मेरे स्किन में, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. सो गाइज आप देख सकते हो कि मेरा फेस जो है बहुत ही प्लम्प और रेडिएंट एकदम लग रहा है, पिंकी पिंकी सा ग्लो आ रहा है मेरे फेस पे. तो गाइज ये जो एंटायर रेंज है ना इसके यूज से मैं हमेशा से ही नोटिस करती आ रही हूँ कि मैं जब भी इसको यूज करती हूँ तो इसी तरीके का मेरा फेस जो है बहुत ही सपल सा और रेडिएंट ग्लोइंग लगता है. तो आपने नोटिस ही किया होगा जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब मेरी स्किन जो है सुबह से एकदम थकी थकी सी ड्राई और डल हो गई थी. सुबह की थकान और सब ये सारी चीज़ों की वजह से स्किन जो है थोड़ी सी डल सी लगने लग गई थी. बट अभी आप देखोगे कि मैंने फेस वॉश किया, मैंने स्क्रबिंग की, मैंने मास्किंग की और देन मैंने टोनर अप्लाई किया है और दिस इज हाउ माय स्किन लुक्स. अगर मैं स्क्रब नहीं भी अप्लाई करती हूँ, मास्किंग डेली भी नहीं करती हूँ, बट जो मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसकी हेल्प से स्किन के जो इफेक्ट है मेरे फेस पे जो इफेक्ट है वो इसी तरीके का आता है रेगुलर बेसिस पे. आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सीरम. सो दिस इज दिस सीरम गाइस, दिस इज हाउ द सीरम लुक. ये गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम है. दिस इज फॉर रेडिएंट ग्लोइंग
स्किन 30ml प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इसकी छोटी बॉटल भी आती है, तो आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ सारे ही स्किन टाइप के लिए हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है कि ये सीजन पे थोड़ा बहुत डिपेंड कर रहा है कि आप इसको यूज करो या ना करो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना गाइस, इसको मैं अगर समर्स में यूज करती हूँ ना, तो मेरी स्किन जो है ना थोड़ी बहुत ऑयली तो है ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ी बहुत ना स्टिकी स्टिकी वाली फीलिंग, स्टिकी भी नहीं बोलूंगी मैं, बट बहुत मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है इसके एप्लीकेशन पे। मतलब मैं रेगुलर नहीं यूज करती हूँ इसको समर्स में, कभी कभी बीच में 15 दिन में 20 दिन में एक बार ही अप्लाई कर लिया तो कर लिया, ताकि प्रॉपर हाइड्रेशन मिल जाए मुझे स्किन पे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है। अगर जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत ही एप्ट प्रोडक्ट है ये, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उनके लिए। सो मैं समर्स में नहीं, बट विंटर्स जब से स्टार्ट हुए ना, मैं इसको डेली बेसिस पे यूज कर रही हूँ। सो आई जस्ट शो यू, दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत ही इस तरीके की कंसिस्टेंसी है इसकी, थोड़ा सा लेके 2 से 3 ड्रॉप। और इसके एप्लीकेशन के बाद ना आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई और डल नहीं फील हुई। दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट गाइज, आई एम टेलिंग यू, यू शुड, यू मस्ट बाय दिस। ये सारे प्रोडक्ट्स एक बार नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा, बट यू शुड इन्वेस्ट इन दिस, ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी जो मेरी बॉटल है ना गाइज, आई हैव लॉस्ट काउंट ऑन दिस, पता नहीं 4th या 5th, पता नहीं कौन सी बॉटल है ये मेरी। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट स्टेप आता है वो है मॉइस्चराइजेशन। सो ये है रोज हिप मॉइस्चराइजर, और ये सेम इसकी जितनी भी पैकेजिंग है ना सेम आती है गोल्डन कैप में, और इस तरीके से लिड लगी रहती है सब में ही। एंड सी आई फिनिश दिस प्रोडक्ट ऑल्सो, ये मेरी फर्स्ट परचेज ही थी, ये मैंने लास्ट विंटर में यूज किया था, विंटर्स के बाद मैंने समर्स में इसको बिल्कुल भी नहीं यूज किया है, क्योंकि बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी है गाइज, आप देख सकते हो पिंक कलर का है ये प्रोडक्ट, तो क्रीमी कंसिस्टेंसी है, ड्राई स्किन टाइप के लिए काफी अच्छा है ये, उन्हें विंटर्स में समर्स में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये मुझे समर्स में फील होता था कि मेरी स्किन को बहुत और ज्यादा ऑयली कर दे रहा था, तो मैं इसको विंटर्स में ही अप्लाई करती हूँ, मैंने समर्स में इसको छोड़ दिया था अप्लाई करना, बट जिनकी ड्राई स्किन टाइप है वो इन्हें समर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइज, मैं फटाफट से समराइज कर देती हूँ कि कब कब क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो आप जिनकी ऑयली स्किन टाइप है। मैं अपने जैसे स्किन टाइप वालों की बात कर रही हूँ, जिनकी स्किन टाइप समर्स में ऑयली है और विंटर्स में ड्राई है, तो फेस वॉश आप दोनों ही सीजन में यूज कर सकते हो, टोनर्स आप दोनों ही सीजन में यूज कर सकते हो, स्क्रब आप दोनों सीजन में यूज कर सकते हो, मास्क आप दोनों सीजन में यूज कर सकते हो। ये जो है इस पे मैं पार्शियल हूँ, समर्स में कभी कभी यूज कर सकते हो और विंटर्स में, तो दिस इज अ लवली प्रोडक्ट, आप इसको जरूर ट्राई करना। और ये जो है आपका मॉइस्चराइजर जो है ना, ये आप सिर्फ विंटर्स में ही यूज करना अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो, समर्स में आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा ये। तो या सो दीज वर ऑल द प्रोडक्ट्स गाइज, आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा, मैंने इन डेप्थ डिटेल्ड रिव्यू किया है इन प्रोडक्ट्स को, मैं लास्ट 1 साल से ऑलमोस्ट ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करते आ रही हूँ, कुछ जो है मैं अभी 2-3 हफ्तों से यूज कर रही थी, जो कि मैंने मेंशन कर दिया है ऑलरेडी वीडियो में। सो या अगर आप अब तक वीडियो देखते आ रहे थे और आपने कंप्लीट वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच। सो विद दिस इट्स अ रैप गाइज, सो आई कैच यू गाइज अप इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, ये मेरा पूरा विंटर स्किन केयर रूटीन नहीं है, कुछ और भी प्रोडक्ट्स जो है मैं विंटर्स में यूज कर रही हूँ, मैं इसको कभी मॉर्निंग में यूज कर लेती हूँ, कभी नाइट में यूज कर लेती हूँ, इसके अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं यूज कर रही हूँ, अगर आपको उसके बारे में भी जानना है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या विद दिस आई विल कैच यू गाइस अप इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, लव यू।